हेलो दोस्तों, हैप्पी होम ब्लॉग चैनल के एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अभी हम हैं रियाद में और यहाँ पे चल रहा है रियाद सीजन। तो रियाद सीजन के हम लोग इस समय हैं बुलवार्ड सिटी पे, जो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और हमारे दूसरी तरफ बुलवार्ड वर्ल्ड भी है, जहाँ पर अलग अलग देशों के कल्चरल थिंग्स वहाँ पर क्या दिखते हैं, कैसे दिखते हैं वो है। उसका हम न्यू ईयर को प्लान किए हैं, तो उसका ब्लॉग नए साल पे आएगा। आज हम घूमेंगे बुलवार्ड सिटी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आइए देखते हैं कैसा इन्होंने क्रिएट किया है न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर। बुलवार्ड सिटी घूमने का जो टिकट प्राइस है वो 25 रियाल है, 25 रियाल है। और पीछे के काउंटर से हमने अपना टिकट स्कैन करा के इंटर कर चुके हैं। और इंटर करते ही ये सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का पूरा इन्होंने रूट दिया हुआ है, जो ऊपर काफ़ी डिस्प्ले चलती रहती है, जिसपे अलग अलग बिल्डिंग्स एडवर्टीजमेंट इन्होंने जो भी स्पॉन्सर किए होंगे उनकी स्पॉन्सरशिप चलती रहती है। और नीचे यहाँ पे है SNB द्वारा स्पॉन्सर्ड एक लग्जरी कार। और कार के जस्ट बगल में लगा है एक सुंदर सा फाउंटेन, जिसमें छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे हैं। और कार और फाउंटेन के जस्ट पीछे है माडा स्पॉन्सर्ड एक शॉप, जहां पे आप फ्री में ब्लैक कॉफ़ी, चॉकलेट कॉफ़ी पी सकते हैं, अपने आईफोन के केस पे, एयरपोर्ट पे अपना नाम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। 360 कैमरा भी है वहां पे, आप अपना कार्टून स्केच भी बनवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर अंजलि बैठ गई है अपना कार्टून स्केच बनवाने। वैसे मैं अंजलि को अगर भूल से भी कभी कार्टून बोल दूं तो लड़ाई हो जाएगी, लेकिन अब मैं इसकी वजह से अंजलि को कार्टून बोल सकता हूँ। क्यों कार्टून 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 उसको बोला ना? नहीं, ये आप ही तो हो। तो भाई, हमने लग्जरी कार देख ली, फाउंटेन देख लिया, अभी तक सबसे जो मज़ेदार था वो माडा कार्ड स्पॉन्सर्ड जो शॉप थी। आप अगर यहाँ पे आइएगा तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम घूमने जा रहे हैं सऊदी का न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। एकदम ये जो टाइम्स स्क्वायर है एकदम डिस्प्ले से चकाचौंध है, चारों तरफ दुकानें। तो कुछ ऐसा दिखता है टाइम्स स्क्वायर का नज़ारा, चारों तरफ डिस्प्ले हैं, बिल्डिंग्स हैं और शॉप है। मोस्टली यहाँ पे सारे शॉप अवेलेबल है, क्लोथ्स के हो, ब्यूटी प्रोडक्ट के हो, शूज़ के हो, जितनी भी ग्रूमिंग से रिलेटेड शॉप है। और एक बड़ा सा मॉल था, वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी था। अब पता नहीं कोई यहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आए तो वो बात अलग है। इतना जल्दी जल्दी क्यों चले हो? बहुत दूर से आपको ढूंढते हुए आ रहा हूँ मैं। सबकी वाइफ मिल गई, बस मेरी वाइफ पता नहीं कहाँ है। चलिए, आपको सुंदर सा फाउंटेन। फाउंटेन सुंदर सा, बहुत अच्छा। आइए चलते हैं, एक अंजलि बोल रही है कि एक सुंदर सा फाउंटेन दिखाएंगे। अब देखते हैं सच में सुंदर है या बस ऐसे ही हवाबाजी है। कहाँ है फाउंटेन? फाउंटेन पौधों को हवा मिले ना मिले, मुझे फाउंटेन दिखाइए कि फाउंटेन कहाँ है। तो बातें करते रहते हो ज्यादा, है मुझे लग रहा है आप मूर्ख बना रहे हो। और हमारे ठीक सामने है एक रंग बिरंगा फाउंटेन जो कि अपना कलर चेंज कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। ये सारे फवारे नॉर्मल है, लेकिन कलर की वजह से इतने प्यारे लग रहे हैं देखने में, जब ये कलर चेंज कर रहा है तो क्या ही बताए, बहुत ही उमदा। हम लोग जब यहाँ बुलवार्ड सिटी आए थे तो हम लोग बुलवार्ड वर्ल्ड चले गए थे, तो वहाँ पे हमने अपना टिकट शो किया, तो वो बोले कि ये सिटी का टिकट है, वर्ल्ड का नहीं है। वर्ल्ड का जो टिकट प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, 100 रियाल था। तो हमने यार 25 रियाल तभी ये सिटी घूमने का है, डिस्प्ले विस्प्ले रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन यकीन मानिए 25 रियाल के हिसाब से ये बहुत ही प्यारा है। Baby।
घूमते घूमते हम आ गए हैं बोलवार्ड स्टूडियो। देखते हैं यहाँ पे क्या है अंदर। तो ये है एंट्री गेट बोलवार्ड स्टूडियो का। और यहाँ दीवारों पे कुछ हैंड के प्रिंट बने हैं। तो वहाँ पे रियाद की कुछ फेमस हस्ती हैं जो उनके हाथ के पंजों के निशान का वो पूरा एरिया बना हुआ था। तो यहाँ पे है हॉरर हाउस का सेटअप, जिसके अंदर कुछ क्रीपी सी चीज़ें होंगी। मैंने अंजलि से पूछा किसके अंदर चलते हैं, बोले तो नहीं मुझे एक तो वैसे ही अंधेरा है और काफ़ी डर भी लगेगा तो मैं नहीं जाऊँगी, आपको जाना है तो जाइए। बेंच पे बैठ गई हैं, बोले कि आपको जाना हो तो जाइए, मैं तो नहीं जाऊँगी तो चुपचाप चलिए, नहीं जा रहा मैं, आइए। तो स्टूडियो में हमें देखने को मिला शोले मूवी की वो पानी की टंकी। इसी पे बीरू चढ़ के बसंती को पटाया था। तो इस एरिए में इन्होंने ढेर सारे गेम्स का सेटअप किया हुआ है और यहाँ पे भी कुछ गेम्स से रिलेटेड ही लग रहा है। कुछ राइड तो लिखा हुआ है, अब कैसा राइड है ये तो मुझे नहीं पता। तो ये है 3 मंजिला हॉरर हाउस, जिसमें अंजलि के साथ साथ मेरी भी जाने में हवा खराब है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मतलब वो भी उन्होंने सेटअप किया हुआ था पर काफ़ी डरावना, ये पता होते हुए भी कि ये फेक है फिर भी काफ़ी डर लगता है। तो सामने हमारे यहाँ है कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी, जिसमें थोड़े बहुत झूले दिख रहे हैं। पता नहीं इसके अंदर टिकट लगता है या जहाँ पे झूला है वहाँ पे डायरेक्ट आप पे करके झूला झूल सकते हैं। आइए देखते हैं अंदर से क्या क्या है। आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरे तो सिकुड़ गए हैं ठंड से। नहीं मेरे भी काम नहीं कर रहे हैं। आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है और घूमने को अभी बहुत कुछ यहाँ पे बचा हुआ है। मुझे तो ये नहीं पता 25 रियाल में आप सारी कुछ घूम सकते हैं। हाँ एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे अलग से आपको चार्ज देना होगा, अलग से टिकट खरीदनी है। यहाँ पे पूरा शॉप लगा है, शॉपिंग की शॉप लगी है, खरीदारी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, खेल सकते हैं। 25 रियाल केवल एंट्री फी है, बाकी आपको हर शॉप पर जाके वहाँ से टिकट खरीदना है, फिर आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं। एक लोग के आकार का कुछ चल रहा है, तकेंडा, व्हाट इज तकेंडा। यहाँ पे है कुछ रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पे ग्लोब पे काफ़ी सुंदर सुंदर सी छवि चल रही है। ग्लोब पर जब जाता है तो वो काफ़ी प्यारा लगता है। और ये यहाँ का है सबसे प्यारा सेल्फी पॉइंट, पीछे एक खूबसूरत सी संरचना इन्होंने, जिसके बाल फ्लावर से बने हुए हैं। दोस्तों बोलवार्ड सिटी का ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगला ब्लॉग जो कि 1 जनवरी को आएगा वो होगा बोलवार्ड वर्ल्ड का ब्लॉग, जो कि इससे भी कहीं ज़्यादा प्यारा होने वाला है, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें।